डिलिशियस। वेलकम बैक, हवती रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और द मॉर्निंग स्टार को इस बात का सेहरा यकीनन जाता है कि हम शायद वो वाहिद शो है जिन्होंने आपकी मुलाकात इस मुल्क की बेहतरीन उन एंटरप्रेन्योर खवातीन से कराई है जो कि अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रही हैं, अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करती हैं और अपना टैलेंट इस दुनिया के सामने ला रही हैं, फाइटिंग ऑल ऑड्स। आज भी हम आपकी मुलाकात तीन बहुत ही शानदार खवातीन से कराने वाले हैं जो कि क्राफ्टर्स गिल्ड के तवस्सुत से हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती हैं, हमारे साथ हैं नफीस हलाई। सलाम नफीस, कैसी हैं आप? आप कैसे हो? जितना आपका नाम नफीस है उतनी ही आपकी शख्सियत भी नफीस है और उतनी ही नफासत से आप खाना भी बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। बस दैट्स इट, अब एक और मेरी कोई तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, मतलब ये सब बना के लाई हूँ कि आप खाएं और तारीफ करें। अच्छा, और मजे लें और एंजॉय करें। अच्छा नफीस, आपका जो ब्रांड है पिकलेनरी खास तौर पर सिर्फ अचार ही बनाता है? नहीं, pickle is for pickles and achars and chutneys, और नरी is from culinary. culinary का नरी है तो मैं उसमें बनाती बहुत सारी चीजें हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ ढोकले लेकर आई हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कब से आपने स्टार्ट किया है? मुझे 6 साल हुए, मैंने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, ये वाली प्रोडक्ट, ये मेरी अम्मी की रेसिपी। क्या चीज है वो? दिस इज ग्रेटेड कैरी अचार, वो ये है कैरी का अचार। हाँ, ग्रेटेड है ये, ज्यादा खट्टा तो नहीं होगा? खट्टा है ना, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। आप नहीं खा सकते खट्टा? फिर बोले, बता रहे हैं। अच्छा, ये अम्मी जो है ना, मतलब मेरी पैदाइश से पहले अम्मी ने अपनी नेबर से सीखा था, ठीक है, और अम्मी बनाती थी। अभी मुझे भी शौक हुआ। अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौकीन थे अचार के, और उनको अम्मी का ही अचार बहुत अच्छा लगता था। हर वक्त मुझसे कहा जाता था, नफीस तुम सीख लो, हर वक्त अम्मी को तंग करती हो। आई सेड, मैंने कहा ठीक है सीख लेते हैं। अम्मी जो है ना, जिसको कहते हैं ना, एक हिटलर की तरह मेरे साथ खड़ी रहती थी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ओके। लेकिन आई, वो उनका ये करना जो है ना, वो मेरे लिए जो है ना एक बहुत परफेक्शन की वजह, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत मेटिकुलस हूँ किसी भी उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन सुने, वो आपके प्रेजेंटेशन में भी और खाने में भी नज़र आ रहा है, आप इसको सिर्फ ऑनलाइन ही कर रही हैं? यू हैव एन आउटलेट, आप कहीं पे रखाती हैं? नो, आई डोंट हैव एन आउटलेट, मैं कहीं रखवाती नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। ऑनलाइन बाय ऑर्डर, जिसको चाहिए वो ऑर्डर करके ले ले। बिल्कुल। लेकिन खवती रोज़ रात मैं बता रहा हूँ, बेतहाशा लजीज चटपटे ये पिकल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी है, मैंने अभी ट्राई की है, और ये जो टंजानियन योगर्ट है, अल्लाह के वास्ते, डोंट इंसल्ट इट, सिद्दीकी सॉस, इट्स अ मेडिटेरेनियन डिप, ओके, सिद्दीकी सॉस, यस, ओह इट्स डिलीशियस, सिद्दीकी सॉस में ग्रीक योगर्ट होता है और थोड़ी सी सब्जियां होती हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। अगर आपको कभी कभी, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग प्रमोट कर रहे होते हैं, ये ज़रा सी जो डिप्स होती हैं, ये आप थोड़ी सी ब्रेड के साथ अगर छू के खाएँ, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग का भी आपको एहसास देती है। मुझे एक बात बताएं, इसके बाद व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान, इसको आप कितना एक्सपैंड करना चाहती हैं और किस डायरेक्शन में? नहीं, मैं जो है, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, लाइक जो हमारे जो जैसे प्याज है, लहसुन है, अदरक है और मिंट है, ये सारी चीज़ें हैं। मिंट तक तो मैं पहुंच गई हूँ, उसको ड्राई पाउडर के फॉर्म में, और ड्राई पाउडर के फॉर्म में, यस, और वो एट टाइम्स यू डू नीड इट, कि आपको चाहिए होता है, मतलब कभी अवेलेबल नहीं होता और कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। मैंने बहुत ही उससे, मैं लेकर इसलिए नहीं आई हूँ कि अभी भी मैं उसके ऊपर थोड़ा और करना चाह रही हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी कर रही हूँ, और बस अल्लाह करेगा तो। मुझे बात बताएं, विच इज़ द हॉटेस्ट सेलिंग आइटम आपका, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इन डिमांड रहता है? देखें, पिकल्स के अलावा जो है ना, दिस इज अ हॉट सेलर, यू मस्ट ट्राई दिस। ये क्या चीज़ है? दिस इज ढोकला, ये रहा ढोकला, आई वांट टू हैव इट, सॉरी मैं सुनिए, मैं तो हाथ से खाऊंगा, लेकिन ये इसमें खाए ना, तो ये देखिए डिप किया मैंने। अच्छा, ओके, देखिए खाना मैं सॉरी देसी तरीके से ही खा सकता हूं, हम भी देसी ही हैं। हाँ, ये लीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो करें, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और हम मूव करते हैं। थैंक यू सर, एक बाग की तरह। नफीस बहुत ही मज़े का है, इट्स डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार है। और खवातीन और हज़रात, हम हैं हमारी दूसरी मेहमान के साथ,
सना इकबाल फ्रॉम फेरी डस्ट एंड कन्फेटी। सलाम सर, आपने ट्राई किया ये? बिग फैन ऑलरेडी है ना, बिग फैन, आई स्वेयर, इतने मजे का मजा आ गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? ऑलमोस्ट 3 to 4 years। 3 to 4 years, बट शुरू कैसे किया आपने? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? शुरू आई स्टार्टेड फ्रॉम बॉन्साई। डू यू नो व्हाट अ बॉन्साई इज? इट्स अ मिनिएचर ट्री। दैट वाज माय पैशन। आई स्टार्टेड विद दैट। आई स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर बॉन्साई सोसाइटी। सो देन आई लर्नड गार्डनिंग। मुझे पहले गार्डनिंग नहीं आती थी। फॉर बॉन्साई, फॉर द लव ऑफ बॉन्साई आई लर्नड गार्डनिंग। उसके बाद आई केम टूवर्ड्स दीज क्लोज टेरेरियम्स, और उसके बाद आई केम टूवर्ड्स द शेल्स, द लव ऑफ शेल्स एंड सी। तो उसकी फिर आई ट्राई टू क्रिएट सी ज्वेलरी। देयर इज अ टर्म फॉर सी एंड बीच लवर्स, इट्स कॉल्ड थैलेसोफाइल। थैलेसोफाइल, 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 या समवन हु लव्स द बीच और द बीच वेव्स। सो दैट्स माय इंस्पिरेशन फॉर द ज्वेलरी एंड अदर स्टफ लाइक की चेन्स एंड स्पून्स, एनीथिंग। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, इसमें लिखा हुआ है सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखें। क्या चीज़ है ये? वाओ, हाउ ब्यूटीफुली पेपर वेट है। यू कैन यूज इट एज अ शोपीस और पेपर वेट एज वेल। कितनी खूबसूरत है ये। इसमें आवाज भी आती है। really? अगर आप कान के साथ लगाएं ना, यू कैन हियर द ओशन वेव्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर इफ यू पुट इट नेक्स्ट टू योर ईयर। वाओ, क्या बात है, जबरदस्त। तो इसकी डेफिनेशन होती है, जिसको समंदर हो पसंद, जो लहरों में लहर होना चाहे। प्लीज, ये मैं सुनाना चाहता हूँ। जिसको समंदर हो पसंद, जो लहरों में लहर होना चाहे। थैलेसोफाइल, क्या बात है, वेरी नाइस। दैट्स माय थिंग। सना एक बार हमारे साथ है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। आपको ब्रेक के बाद सना का काम हम इन डिटेल दिखाएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।